अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। 1 किलो मुर्गी ली है मैंने, जो छोटे छोटे पीसीस में घी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़े पीसीस नहीं लिए हैं। इसके अलावा 2 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं जो बारीक चॉप कर ली हैं, 4 अदद टमाटर लिए हैं ये भी बारीक चॉप कर लिए हैं, आधी गड्डी हरा धनिया है और 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो मैंने बीच में से इस तरीके से इसके कट लगा लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याली ऑयल है, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं और नमक हसबे ज़रूरत। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे हम। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। टमाटरों को हम 1 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी, जब तक हम जीरा सौंफ और साबुत धनिया जो है उसका पाउडर बनाना है। कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने पैन में ये जीरा सौंफ साबुत धनिया लिए हैं, इनको अच्छे से हम भूनेंगे। तकरीबन आपको 3 to 5 मिनट्स तक इसे अच्छे से भूनना है। इसका कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो नहीं किया है अब तक तो हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी फॉलो करें। ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में तैयार हो चुका है। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी और साथ ही इसके सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम और इसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी ताकि इसमें चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन अच्छे से गल चुकी है, अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे फ्लेम को तेज करके। साथ मैंने इसके हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है, इसका ऑयल ऊपर आ जाए उसके बाद मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, तकरीबन मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार है। इसे आप अदरक हरे धनिया से गार्निश करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।